श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 37 केशी तथा व्योम असुरों का वध। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कंस द्वारा भेजा गया केशी असुर व्रज में विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हुआ। मन जैसे तेज वेग से दौड़ते हुए वह अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। उसकी गर्दन के भालों से सारे आकाश के बादल तथा देवताओं के विमान तितर बितर हो गए। अपनी बारी हिन हिनाहट से उसने वहां पर उपस्थित सबों को भयभीत बना दिया। भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर केशी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना मुंह दबाए उनकी ओर दौड़ा, मानो वह आकाश को निगल जाएगा। प्रचंड वेग से दौड़ते हुए उस अजेय तथा दुर्दर्श घोड़ा असुर ने अपने अगले दो पांव से कमल नयन भगवान पर प्रहार करने का प्रयत्न किया, किंतु दिव्य भगवान ने केशी के प्रहार से अपने को बचा लिया और तब क्रुद्ध होकर अपनी भुजाओं से असुर के पैरों को पकड़कर उसे आकाश में चारों ओर घुमाया और एक तो धनुष दूरी पर घृणा पूर्वक उसी तरह फेंक दिया जिस प्रकार गरुड़ किसी सर्प को फेंक दे। तब भगवान कृष्ण वहीं खड़े हो गए। पुनः चेतना लौट आने पर केशी क्रोध पूर्वक उठा। उसने अपना मुख पूरा खोल दिया और वह पुनः कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा, किंतु कृष्ण हंस दिए और अपनी भाई भुजा उस घोड़े के मुंह में उसी सुगमता से डाल दी जिस तरह कोई सांप भूमि में बने छेद में घुसा जाता है। भगवान के बाहु का स्पर्श होते ही केशी के सारे दांत गिर पड़े, क्योंकि उनका बाहु उस असुर को पिघले लोहे के समान गर्म लग रहा था। तत्पश्चात केशी के शरीर में भगवान का बाहु अत्यधिक फैल गया, जिस तरह उपेक्षा करने से जलोदर रोग बढ़ जाता है। यों ही कृष्ण की फैलती भुजा ने केशी के श्वास को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। वह अपने पैर पटकने लगा, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उसकी आंखें उलट गई। तब उस असुर ने मल त्याग दिया और भूमि पर गिरकर निष्प्राण हो गया। महाबाहु कृष्ण ने अपनी बाह केशी के उस शरीर से निकाल ली जो अब एक लंबी ककड़ी जैसा प्रतीत हो रहा था। अपने शत्रु को बिना प्रयास के ही मारने के बाद किसी प्रकार का गर्व दिखलाए बिना भगवान ने ऊपर से फूलों की वर्षा के रूप में की गई देवताओं की पूजा स्वीकार की। हे राजन, तत्पश्चात देव ऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास एकांत स्थान में गए। इन महाभागवत ने बिना किसी प्रयास के लीला करने वाले भगवान से इस प्रकार कहा। नारद मुनि ने कहा, हे कृष्ण,
हे अनंत प्रभु, हे समस्त योग शक्तियों के स्रोत, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त जीवों के आश्रय तथा यदुश्रेष्ठ वासुदेव, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं और हृदय की गुफा में उसी तरह अदृश्य होकर बैठे हुए हैं जिस तरह सुलगती हुई लकड़ी के भीतर अग्नि सुप्त रहती है। आप सबों के भीतर साक्षी स्वरूप परम पुरुष तथा सर्वनियंता देव हैं। आप समस्त जीवों के आश्रय हैं और परम नियंता होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपनी निजी सृजन शक्ति से आपने प्रारंभ में प्रकृति के आदि गुणों को प्रकट किया और आप उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा विनाश करते हैं। आप ही वह सत्रष्टा हैं जो अपने को राजा मानने वाले दैत्यों, प्रमथों तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए तथा संत पुरुषों की रक्षा करने के लिए अब इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाए हुए था कि उसकी हिन हिनाहट से देवताओं ने भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था, किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में ही उसे मार डाला है। हे सर्वशक्तिमान विभो, तो ही दिनों में मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों के साथ साथ कुबलया पीड तथा राजा कंस की भी मृत्यु होते देखूंगा। इसके बाद मैं काल यवन, मुर, नरक तथा शंख असुर को आपके द्वारा मारा जाते देखूंगा। मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते और इंद्र को पराजित करते देखूंगा। तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजाओं की अनेक कन्याओं के साथ आपको विवाह करते देखूंगा। तब हे ब्रह्मांड पति, आप द्वारका में राजा मृग का शाप से उद्धार करेंगे और एक अन्य पत्नी के साथ साथ आप अपने लिए सैमंतक मणि भी लेंगे। आप ब्राह्मण के मृत पुत्र को अपने दास यमराज के धाम से वापस लाएंगे और उसके बाद आप पौंड्रक का वध करेंगे तथा काशी नगरी को जला देंगे और राजसूय यज्ञ के समय दंत वक्र तथा चेटीराज का संहार करेंगे। मैं इन सब वीरतापूर्ण लीलाओं को तो देखूंगा ही, साथ ही द्वारका में अपने वास काल में आप जो अन्य अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी देखूंगा। ये सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती हैं। तत्पश्चात मैं आपको साक्षात काल के रूप में प्रकट होते, अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते तथा धरती का भार उतारने के लिए सैनिकों की समस्त सेनाओं का विनाश करते देखूंगा। हे भगवान, हमें अपनी शरण में आने दें। आप शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञता से परिपूर्ण हैं और अपने मूल स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। क्योंकि आपकी इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, आपने पहले ही यथासंभव इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप माया के गुण प्रवाह से सतत पृथक रहते हैं। हे आत्मनिर्भर परम नियंता, मैं आपको नमस्कार करता हूं।
आपने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की असीम विशिष्ट व्यवस्था की रचना की है। अब आप यदुओं, वृष्णियों तथा सातवतों के बीच महानतम वीर के रूप में प्रकट हुए हैं और आपने मानवीय युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार यदुवंश के प्रधान भगवान कृष्ण को संबोधित करने के बाद नारद ने झुककर सादर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन मुनियों में महान तथा भक्तों में विख्यात नारद ने भगवान से विदा ली और उनका साक्षात दर्शन करने से उत्पन्न परम हर्ष का अनुभव करते हुए चले गए। युद्ध में असुर केशी को मार डालने के बाद भगवान कृष्ण अपने प्रमुदित ग्वाल मित्रों के साथ गौवों तथा अन्य पशुओं को चराते रहे। इस तरह उन्होंने वृंदावन के समस्त वासियों को हर्ष उल्लास पहुंचाया। एक दिन पर्वत की ढलानों पर अपने पशु चराते हुए ग्वाल बालों ने आपस में प्रतिद्वंदी चोरों तथा मवेशी पालकों गडेरियों का अभिनय करते हुए लुका छुपी का खेल खेला। हे राजन, उस खेल में कुछ ग्वाले चोर बने, कुछ गडेरिये तथा अन्य भेड़ बने। वे किसी संकट के भय के बिना सुख चैन से अपना खेल खेल रहे थे। तब व्योम नामक एक शक्तिशाली जादूगर, जो असुरमय का पुत्र था, एक ग्वाल भाल के वेश में वहां प्रकट हुआ। वह चोर के रूप में खेल में सम्मिलित होने का बहाना करते हुए भेड़ बनने वाले अधिकांश ग्वाल भालों को चुराने के लिए आगे बढ़ा। उस महाअसुर ने धीरे धीरे अधिकाधिक ग्वालों का अपहरण कर लिया और उन्हें एक पर्वत गुफा में ले जाकर फेंक दिया तथा उसके द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अंत में केवल 4-5 बालक बचे जो खेल में भेड़ बने थे। समस्त संत भक्तों को शरण देने वाले भगवान कृष्ण अच्छी तरह जान गए कि व्योमासुर कर क्या रहा है। जिस तरह कोई सिंह पेड़िये को दबोच लेता है, उसी तरह कृष्ण ने उस असुर को, जब वह अन्य ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, बलपूर्वक धर दबोचा। वह असुर अपने मूल रूप में परिणत होकर विशाल पर्वत के समान बड़ा तथा बली बन गया, किंतु वह कठोर प्रयास के बावजूद अपने को छुड़ा न पाया, क्योंकि भगवान की मजबूत पकड़ में होने से वह अपनी शक्ति खो चुका था। भगवान अच्युत ने व्योमासुर को अपनी बाहों के बीच में जकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब स्वर्ग से देवताओं के देखते देखते कृष्ण ने उसे उसी तरह मार डाला जिस तरह कोई बलि पशु का वध करता है। तत्पश्चात कृष्ण ने गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंड को चूर चूर कर दिया और बंदी बनाए गए ग्वाल भालों को वे सुरक्षित स्थान पर ले आए। इसके बाद देवताओं तथा ग्वालों द्वारा उनका यशोगान होने लगा और वे अपने ग्वाल ग्राम गोकुल लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत केशी तथा व्योम असुरों का वध नामक 37वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।